हेलो एवरीवन, क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 4, स्टैटिक्स पार्ट 4। तो पार्ट 3 में हमने मीडियन एंड मीन का डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो में हम मोड का डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मोड होता क्या है, हाईर फ्रीक्वेंसी डाटा, मतलब ऐसा कोई डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी वो डाटा जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो मोड होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1240243278, इसका आपको मोड फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं जो आपका 2 है ना, ये इस 2 की रिपीटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। 2 2 एंड 2, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, यानी 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो आपका मोड हो गया 2, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर 2 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका एक्स है, ये आपकी एफ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 3 की। ये जो 3 है ना, ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, जो 1 है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, ये 2 है ये 1 टाइम रिपीट हुआ है, ये 3 जो है ये 5 टाइम रिपीट हुआ है, ये जो 4 है ये 6 टाइम रिपीट हुआ है, ये जो 5 है ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो ये 4 है, जो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इंटरवल की बात करते हैं, ये इंटरवल है 0 to 10 और ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ये 4, ये वाली सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 4 है। तो जो मोड आएगा वो इनके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, लेकिन 20 30 के बीच में कोई सा भी हो सकता है। देखो यहाँ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 थी, इसके अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू पूरा इंटरवल आ रहा है 20 to 30। तो इंटरवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोड का एक बेसिक फार्मूला होता है जिसको हमें लर्न करना है। मोड इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट f1 - f0 डिवाइडेड बाई 2f1 - f0 - f2 मल्टीप्लाई h। ओके, यहाँ पे एल होता है क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, लार्जेस्ट होगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। ये जो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट सेलेक्ट किया है, इसको हम बोलते हैं मोड क्लास, क्योंकि हम मोड फाइंड कर रहे हैं। तो एल की वैल्यू 20 हो गई, ये लोअर लिमिट है इसकी। एफ वन क्या होता है, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट की है, ये ऊपर वाला भी आपका एफ है, नीचे वाला भी आपका एफ है, और ये वाला भी एफ है, जिसको आपने सेलेक्ट किया उसको बीच में रखें, तो ये 0, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो f0 की वैल्यू 2, f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 3 हो गई आपकी। और h होते हैं क्लास इंटरवल, ये 10 10 के इंटरवल बने हुए हैं, तो h की वैल्यू 10 हो गई। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया है सबको। l होती है आपकी लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, 20 हो गई। f0 जस्ट बिफोर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, मोड क्लास से ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। f1 मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, f2 मोड क्लास के जस्ट बाद की वाली, जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, 3 हो गई। एच आपका 10 हो गया। ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले पुट कर देंगे। फॉर्मूला अपना ये था, एल की 20 है, f1 की 4 है, f0 की 2 है, 2f1 2 का 2 मल्टीप्लाई f1 4 है, माइनस ये पूरा हमने पुट कर दिया, h की वैल्यू 10 है। 20 20, 4 - 2 = 2, 2 4 - 8 -2 - 3 मल्टीप्लाई 10। 20 20 प्लस 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, 6 - 3 3, 8 में से 2 को और 3 को दोनों को माइनस करना है तो 3 आएगा। 20 20 प्लस 20 में आप 3 का डिवाइड देंगे, तो 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 6.666, ऐसा कुछ आएगा, ये 6.666 ये आता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में केवल 2 डिजिट हम लिखते हैं, वैसे सिंपल हमें 2 ही लिखना है। और हमें 2 को लिखने का भी एक रूल पता होना चाहिए, अगर ये थर्ड वाला ये 5 से लार्ज है, 5 या 5 से लार्ज है, तब इस सेकंड वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर आ गया 6.67। और 20 में जब आप 6.67 को ऐड करेंगे तो 26.67 आपका आंसर आ जाएंगे। असाइनमेंट आपका है, स्टैटिक्स की पूरी एक्सरसाइज यूनिट आपकी बुक में है, उनका आप सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट अपनी कॉपी के अंदर। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।